हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बना रही हूँ दही और कॉलीफ्लावर की सब्जी। अगर आपको कॉलीफ्लावर पसंद नहीं है तो बस ये छोटा सा चेंज करके आप खा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कॉलीफ्लावर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ। बस हमें इतना ही चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं चाहिए। और अब मैं इसको गरम करने देती हूँ। तो ये ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें थोड़े से राई के दाने डाल रही हूँ। राई चटकते ही मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। और अब सबसे पहले मैं एक चम्मच जिंजर की पेस्ट डाल रही हूँ। ये हमें तड़के में ही ऐड करना है। और अब तड़के में ही मैं थोड़ा सा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें कॉलीफ्लावर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने कॉलीफ्लावर को ऐसे बड़े बड़े पीसीस में ही कट किया है, हमें बहुत छोटे छोटे पीसीस में कट नहीं करना है। और ये मैं अच्छी तरह से पानी से धो के ही लिया है। अब मैं मिक्स कर देती हूँ। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो मैंने जब जिंजर की पेस्ट ऐड करी आप उसी टाइम ऐड कर सकते हैं, फिलहाल मैंने ऐड नहीं किया है। अब हमारी सब्जी जल ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये मैं हिमालयन सॉल्ट यूज करती हूँ घर पर। और अब थोड़ी सी हल्दी। और अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़े से मटर के दाने भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं सब्जी को ढककर मीडियम गैस पर कुक होने दे। सब्जी 50% तक पक गई है तो मैं अब इसमें कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। और अब मैं वापस से मिक्स करके और पकने दूंगी। तो ये देखिए सब्जी तो कुक हो गई है। अब हम इसमें मसाले कर देते हैं। तो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अब थोड़ा सा किचन किंग मसाला और अब सब मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाले तो मिक्स हो गए। अब हम लास्ट में इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैं टमाटर लास्ट में ही ऐड करती हूँ क्योंकि इसके जो पीसीस है वो खाने में अच्छे लगते हैं। अब हमें क्या करना है, मैंने ये हाफ कप जितना दही लिया है और इसमें मैं एक टेबलस्पून बेसन ऐड कर रही हूँ। मैंने ये रोस्ट नहीं किया है, ऐसे ही लिया है। अगर आप रोस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मैंने अभी ये ऐसे ही ले लिया है। और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और अब मैं इसको सब्जी में ऐड कर रही हूँ। और अब हमने जो ये दही ऐड किया है वो सब्जी में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम लास्ट में बहुत सारा धनिया ऐड करेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे दही कॉलीफ्लावर की सब्जी रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी सब्जी रेडी हो गई है। हमें तो इस तरीके से बहुत पसंद है सब्जी खाना, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो हमें बहुत अच्छी लगी थी, तब से हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो आप भी ट्राई करिए। और ये आप भाखरी है, रोटला है, पराठे है, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो और अब हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू, बाय।